नमस्कार, किचन एंट्री में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चाकोली। इस चाकोली को हम सूजी और चावल के आटे से तैयार करने वाले हैं, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। चाकोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप नॉर्मल सूजी का यूज किया है। अब इसे हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। अगर आपके पास बारीक वाला सूजी हो तो आप उसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। सूजी को कुछ हमने इस तरह से बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। गैस में एक पैन रखेंगे, उसमें डालेंगे 2 कप पानी। अब पानी को तेज आंच पर उबाल लेंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। आप यहाँ घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग और नमक स्वादानुसार। सभी चीजें डालकर इन्हें 1 मिनट के लिए उबाल लेंगे। 1 मिनट बाद इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ सूजी और इसे चम्मच चलाते हुए धीमी आंच पर मिक्स कर लेंगे। सूजी मिक्स हो गई है और यह डो की तरह बनने लगा है। इस समय गैस को बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप चावल का आटा। सूजी और चावल के आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूजी और चावल के आटे को हमने मिक्स कर लिया है। यह अभी गर्म है तो इसे हम ढककर लगभग आधे घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। सूजी और चावल के आटे के मिश्रण को हमने एक बाउल में पलट लिया है। ये अभी हल्का गर्म है। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी या मकरेल, 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सफेद तिल, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इन सभी को मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमने यहाँ पर मिला लिया है। अब डो तैयार करने के लिए गर्म पानी लेंगे और जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर इसका डो तैयार कर लेंगे। ये चाकोली बहुत ही कम सामान और घर में रखी हुई चीजों से ही बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन यह खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। चाकोली के लिए डो को हमें रोटी के आटे से थोड़ा सा कड़ा डो लगाकर तैयार करना है। डो को अच्छी तरह से हमने बाइंड कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच घी डालकर डो को चिकना होने तक गूंथ लेंगे। घी डाल लेने से चाकोली बनाते समय ड्राई नहीं होगी और चाकोली भी क्रिस्प बनकर तैयार होगी। डो को गूंथ कर हमने तैयार कर लिया है। अब चाकोली बना लेते हैं। चाकोली बनाने के लिए चाकोली के सांचे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि डो सांचे में चिपकेगा नहीं और चाकोली भी आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। अब डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर उसे हाथों में इस तरह से रोल कर लेंगे और इसे सांचे में इस तरह से दबाते हुए आधे से थोड़ा ज्यादा इसमें भर लेंगे। सांचे को टाइट करके बंद कर देंगे। अब एक प्लेट लेंगे और उसमें इस तरह से चाकोली बनाकर रख लेंगे। चाकोली बनाते समय चेक कर लें, यदि इस समय आपको डो थोड़ा हार्ड लगे तो डो में 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर फिर चाकोली बना लें। मैंने यहाँ पर 1 चाकोली बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से हम 4 से 5 चाकोली और बना लेंगे और फिर इन्हें तल लेंगे। एक बार में उतने ही चाकोली बनाएं जितने की तलने हो, नहीं तो ये बहुत जल्दी ड्राई होने लगते हैं। चाकोली निकाल कर तैयार कर लिया है, अब इन्हें तल लेते हैं। चाकोली बनाने के लिए तेल को तेज आंच पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें तलने के लिए चाकोली डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर इन्हें तल लेंगे। अब चाकोली में से झाग थोड़े कम हो गए हैं और ये थोड़े हार्ड भी हो गए हैं। अब इन्हें हम दूसरी तरफ पलट देंगे। चाकोली तलते समय तेल को तेज आंच पर अच्छी तरह गर्म कर लें और इन्हें मीडियम आंच पर तले। ऐसा करने से चाकोली बहुत ज्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। मीडियम आंच पर इन्हें दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लेंगे। चाकोली अच्छी तरह से तल गए हैं और इनका कलर भी सुनहरा हो गया है। अब इन्हें निकालकर थोड़ी देर के लिए जाली पर रख देंगे। जब इसमें से सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा तो इन्हें हम बाहर निकाल कर रख लेंगे। इसी तरह से हम थोड़े थोड़े करके बाकी के बचे हुए सारे चाकोली को भी तलकर तैयार कर लेंगे। ठंडा हो जाने पर किसी एयरटाइट डिब्बे में रखकर इन्हें आप 10 से 15 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सभी चाकोली को हमने तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 चाकोली आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चाकोली कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी मेरे बताए गए तरीके से इंस्टेंट सूजी और चावल के आटे की चाकोली को जरूर ट्राई करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे चैनल किचन एटीएम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।